भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 6 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला कल सेंचुरियन में खेला जाएगा और उसके बाद 3 T20 मैचों की सीरीज की भी शुरुआत होने वाली है। इसी बीच आपको बता दें कि इसमें सुरेश रैना भी काफी समय बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने उतरने वाले हैं। रैना, जिन्होंने आखिरी बार कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला साल 2017 में खेला था, इसके बाद खराब प्रदर्शन के कारण टीम में वापसी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आखिरकार सुरेश रैना को अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचों में जगह दी है। भारतीय टीम ने टेस्ट में भी अच्छा ही प्रदर्शन किया, लेकिन 2 रन 1 सेकंड हार गए। लेकिन इसके बाद विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम ने पहली बार अफ्रीका में एक दिवसीय श्रृंखला जीती है और अब आखिरी मैच कल खेला जाने वाला है। अब T20 श्रृंखला में भी अच्छे प्रदर्शन की आशंका है और ऐसा करने के लिए सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ना होगा। टीम के एक वरिष्ठ खिलाड़ी होने के नाते सुरेश रैना को श्रृंखला में भारतीय मध्यक्रम में जिम्मेदार बल्लेबाज बनने की उम्मीद है। रैना दक्षिण अफ्रीका में पहले से ही आ चुके हैं और इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि वह जब जोहान्सबर्ग के रास्ते में थे तभी उन्होंने इसके बारे में अपने आधिकारिक ट्विटर से जानकारी दी थी। रैना ने टिप्पणी की थी कि वह प्लेन के उतरने के लिए उत्सुक हैं और क्रिकेट मैदान पर फिर से वापस आना चाहते हैं। लगभग 1 साल तक रैना राष्ट्रीय टीम से बाहर रहे हैं। इन्होंने आखिरी बार इंडियन जर्सी में पिछले साल फरवरी में T20 में इंग्लैंड के खिलाफ था, जहां उन्होंने एक महत्वपूर्ण अर्धशतक लगाया था।